fucked up. Got me all stuck, chasing that lunch. Had to give up, I just want. होप्स आर यू डूइंग गुड. सो जी आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेजी. मुझे बहुत दिनों से क्रेज चढ़ा हुआ था बनाने का, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था. खैर फिर जब छुट्टियाँ होगी तो मैंने कहा चलो आगे आप तुम अपना चाम उतार लो और बना लो चिकन जलफ्रेजी. सो यहाँ पे मेरे इंग्रेडिएंट्स सारे पड़े हुए हैं. ये बोनलेस चिकन प्याज जिसको मैंने बहुत प्यारी तरीके से काटा, ये अदरक और थूम की पेस्ट, ये है शिमला मिर्च होते ना, हाँ ये केचप, ये टमाटर और ये एक अंडे का मिक्सचर जिसको ऑमलेट के लिए यूज़ करें. सो अब हम चलते हैं चिकन की तरफ. तो जी अब हम अपनी कढ़ाई में डालते हैं ऑयल. लहसुन की पेस्ट से गर्म था तो इसलिए फिर मैंने फटाफट जो है उसको डाल दिया. तो जी लहसुन और अदरक की पेस्ट जो थी वो अच्छी तरह से काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड हो गई है वो. तो यह हो गया. अब हम इसके डालेंगे अंदर डालेंगे चिकन. चिकन ने खुदकुशी कर ली. जी तो ये मैंने चिकन डाल दी अब इसके अंदर. इसको तब तक हमने जो है भूनना है जब तक ये जो है ना ये ब्राउन ना हो जाए और चिकन की जो एक हमक होती है ना वो चली ना जाए तब तक. तो जी यहाँ पर मैंने एक बार चावल ले लिए क्योंकि इसके साथ फ्राइड राइस भी बनाने थे. ये मेरे घर वालों की फरमाइश थी, ये आपकी चॉइस है. अगर आप इसको चम्मच के साथ खाना चाहो चम्मच के साथ भी खा सकते हो जलफ्रेजी को, यहाँ पे अगर आप चावलों के साथ लेना चाहो तो आप चावलों के साथ भी ले सकते हो. लेकिन ये मेरे घर वालों की फरमाइश थी कि हमें तो फ्राइड राइस चाहिए तो इसलिए मैंने फ्राइड राइस ना बनाने खानी है. तो मैंने इसके लिए सिर्फ एक ग्लास लिया है. मैंने ज़्यादा चावल नहीं बनाया, मैं इतनी मेहनती नहीं हूँ. लेकिन मैंने कहा चलो एक ग्लास पीना. इसको मैंने कम से कम 8 से 9 मिनट ज़्यादा अच्छी तरह बनाया है ताकि इसको मैं चेक कर सकूँ. सो लेट्स सी. ठीक है तो अब हमारे पास आते हैं ड्राई इंग्रीडियंट्स जिनमें है नमक, जीरा, काली मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, हल्दी और लाल मिर्च. ठीक है इन सब की जो है आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो, आपको जितना आपको ठीक है. जी तो अब हो गया है ये तैयार. अब इसके अंदर आती है इनकी बारी सॉसेज की. ये है बारबेक्यू सॉस, पता नहीं क्यों मुझे पसंद है. कम शेक वाले काम ना करो. और साथ में आती है सोया सॉस की बारी. और बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो विनेगर डालेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा डिवेल करके. बिल्कुल ज़रा सा डालना, गला खराब करने वाले काम नहीं. अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स. पता नहीं मुझे कहाँ से जो है कुकिंग का इतना क्रेज है. मैंने देखा था मैं हर रोज कोई ना कोई नई आइटम जो है ना बना के मैंने सजाई है. तो अब मैंने सॉसेजेस को भी चिकन कर लिया. अब बारी आती है वेजिटेबल्स की. सबसे पहले जाएंगे इसके अंदर टमाटर. ये इतना मोटा मोटी रखती है इसी का मजा आता. और फिर हमारे पास जाएगी शिमला मिर्च. खड़ा था ना ये जो है वो बैठने लग गया. अब हम इसके अंदर डालेंगे पहले थोड़ी सी केचप. कोई भी ले सकते हो केचप आप. और साथ ही हम इसके अंदर डाल लेंगे टमाटर की पेस्ट. पहले वाला जो टमाटर था वो एज अ वेजिटेबल ऐड हुआ था और ये जो टमाटर की पेस्ट है ना ये ऐड होगा
जो टमाटर का टेस्ट देगा। सो अब हम इसको रखेंगे हल्की सी आग पे दम पे, ताकि ये जो मोटा मोटा प्याज खड़ा है ना ये बैठ जाए, और ये जो भी हमने केचप वगैरह डाली है ना ये भी इसके टेस्ट के साथ एडजस्ट हो जाए। और अब हम चलते हैं अपने ऑमलेट की तरफ। मैंने दिखाया था कि मैंने एक अंडे का जो है ऑमलेट बनाया था, एक अंडे को मिक्स किया था, सिर्फ इसमें नमक और काली मिर्ची थी, कोई तीसरी चीज़ ऐड नहीं थी। और मैंने ऑयल पे डार्क ऑयल डाल दिया पैन में, और थोड़ा सा वो गर्म हो जाए, फिर उसके बाद जो है मैं इसको और जाके यार प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक किया करो, तो मुझे बहुत दिली खुशी होती है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना, आप मेरी वीडियो को देखना पसंद करते हो। एक लाइक से कुछ भी नहीं होता और एक सब्सक्राइब से भी कुछ नहीं होता। तो क्योंकि अब ऑयल हो गया है गरम, अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं इसको अच्छी तरह से जो है वो हिला लेते हैं। चलो इसी बहाने मैंने आपको ऑमलेट बनाना भी सिखा दिया। अब इसको साइडों से अच्छी तरह से जो है फ्री कर लिया, यहीं पे कटिंग कर दो, टूटेगा वरना याहू। ये दिली खुशी अपनी है कि आपका अंडा सही है, बस वो अलग बात है अभी तोड़ के डालना उसके अंदर। बस बिल्कुल तैयार है, अब ये रेडी है, बिल्कुल इसको पोर करना है हम लोगों ने बाउल के अंदर, और फिर हम चलेंगे अपनी फ्राइड राइस की तरफ। और फ्राइड राइस आज मैं बनाऊंगी अपने और अपने कैमरा वूमेन के तरीके से। चलो इसमें मटर लिए हैं, और यहाँ मैंने प्याज और शिमला मिर्च जो है वो ठीक करके रख लिया। मटर आई थिंक इनफ है, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो मटर नहीं खाती है। अच्छी अब हम इसको डाल देते हैं अपने बाउल में, क्योंकि मैंने जो राइस है ना वो मैंने इसके अंदर ही बनाना है दोबारा। ईश्वर इसको पकड़ना। हाँ माई जेल फ्रीज इज रेडी, सो अब हम अपने फ्राइड राइस बनाएंगे। इसको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि जो है ये ठंडा ना हो जाए। जी तो लिश्मा के बकौल इसके अंदर सबसे पहले जाएगा अंडा। हाँ क्या डालना है? काली मिर्च, नमक, ऑयल में डाल दूँ? हाँ अंडे में डालो ना, नमक, काली मिर्च। हाँ अब इसको तोड़ दूँ। ये तो मुझे ही आता कोई नहीं है, तो ये रिश्वा बना रही है, इसने यहाँ पे अंडा तोड़ के डाला है इसके अंदर। अब इसके अंदर इन बाजी ने सब्जियाँ डाल दी हैं, मटर आगल की करूँ जी। तो ये सारे हो गए, अच्छी तरह से वेजिटेबल्स तैयार हो गई हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक, रिश्वा अंडे में भी नमक है, ध्यान से डालना ठीक है। हाँ अभी हो गया नमक तो, और अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्चें, अगर ये ख़राब हो तो रिश्वा आपको ही डंडे पड़ेंगे, मुझे नहीं आता। नहीं क्योंकि एक चीज़ मुझे पता नहीं ना है, ये ध्यान से करने वाला काम है। इसमें दम डालेंगे चावल, और चावलों का जो थोड़ा सा पानी होता है वो भी इसके साथ ही अंदर जाएगा गरम गरम होता जी। तो अब हमने डाल दिया इसके अंदर चावल, अब हम इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। चावलों के अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं लाते हैं, क्योंकि चावल फिर ना टूट जाते हैं। इसको अब हम इसको ढक देंगे। तो अब बारी आती है इसको सर्व करने की। जी
अलावा कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गए थे। चलो जी अब हम इसको कर देते हैं अम्मी। चखे तो सही, बताएं कैसे बना ए चावल। हाँ जी ये चम्मच से खाने। आहो हजरों तो नहीं खान लगे। अच्छा ए प्याला बनाया है। आपने मुझे बताना है अगले किसी दे आगे डेकोरेशन करनी है। हाँ डेकोरेशन तो आप में किसी के आपके आगे करी थी ना। चावल सही ले में ना। चावल तो ठीक है इधर नमक नमक ये इसके अंदर है ना। अच्छा। इसके साथ लगा के खाए ना फिर मुझे बताएं कैसा बना। बताए मैं ठहर के खाऊंगी। हाँ ये बंद गोभी भी खाइए। नहीं प्याज है टमाटर है। अच्छा और शिमला मिर्च है और अंडा है और चिकन है। खाने ने? हाँ चावलों के साथ ही खाने हैं। अच्छा जी थोड़ी थोड़ी ग्रेवी सालन भी है ना थोड़ा थोड़ा तो चावलों के साथ ही। नहीं तो चावल खा दे ना जान। हाँ। अच्छा कैसे सब कुछ ठीक है।